स्ट्रॉबेरी दिल की बीमारियों से महफूज रखती है, ब्रेन स्ट्रोक से बचाती है, कैंसर की बीमारियों से महफूज रखती है, ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है, जिल्द की सफाई करती है, ये एंटी एलर्जिक है, आँखों की हिफाजत करती है, शुगर को कंट्रोल करती है, हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, वज़न कम करती है और पैदाइशी माजूरी से बचाती है और कब्ज दूर करती है, बालों के लिए भी बहुत मुफीद है और हड्डियों को सेहतमंद बनाती है और गुर्दों को ताकत बख्शती है और प्रेगनेंसी में आमला ख्वातीन के लिए बहुत मुफीद है, खून को बढ़ाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर एजाज अदर। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी सुर्ख रंग का ये खूबसूरत फल रस भरा होता है और इसका जायका कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है। स्ट्रॉबेरी के जायके की बात करें तो बहुत अच्छा जायका होता है और इसके फवाइद की असूल के लिए इसको मीठी डिशेज को दूध में मिलाकर भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, स्ट्रॉबेरी विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, पोटाशियम और मैग्नीशियम वगैरह। स्ट्रॉबेरीज के अंदर कैलोरीज की मिकदार कम होती है, फाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है। स्ट्रॉबेरी खाने से दिल की बीमारियों में बेहतरी आती है। स्ट्रॉबेरी में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जो हमारे दिल की मुख्तलिफ बीमारियों में बीमारियों से महफूज रखती है। स्ट्रॉबेरी खाने से कैंसर जैसे मर्ज से तहफ़ देती है, क्योंकि इसमें मौजूद विटामिन सी दीगर विटामिन मिलकर कैंसर के खिलाफ मजम्मत पेश करती है और इससे हमें महफूज रखती है और हमारे ब्रेन फंक्शन को दुरुस्त रखती है, क्योंकि इसमें मौजूद आयोडीन हमारे नर्वस सिस्टम को प्रॉपर करने में मदद करता है और इसमें मौजूद पोटाशियम दिमाग में खून के बहाव को बेहतरीन बनाता है और इसी तरीके से हमारा दिमाग अच्छे तरीके से काम कर पाता है और ये जिल्द की हिफाजत भी करती है, क्योंकि इसमें मौजूद सैलिसिलिक एसिड, अल्फा एल्जी एसिड सेल मेल्टेशन को कम करती है, ये जिल्द पर दाने बनने से भी रोकती है और इसमें हर तरह की जल्दी बीमारियों से महफूज रखती है और ये बुढ़ापे के असरात को कम करती है। स्ट्रॉबेरी एंटी एलर्जिक है, इसका मुनासिब इस्तेमाल जिल्द को बेहतर बनाकर बुढ़ापे को कम करती है, आँखों की हिफाजत करती है। स्ट्रॉबेरी खाने से नज़र बेहतर होती है और आँखों की बीमारियों से बचाती है। स्ट्रॉबेरी शुगर को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है और खसूसन टाइप यानी कि शुगर टाइप नंबर 2 के असरात को भी कम कर देती है। हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है। स्ट्रॉबेरी में मौजूद पोटाशियम और मैग्नीशियम की कसीर मकदार जिस्म में खून के बहाव को बेहतर बनाती है और इसमें सोडियम
की कलील मिकदार भी पाई जाती है, जिससे स्ट्रॉबेरी हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाती है, जिससे हम बहुत से इन्फेक्शन से बचे रहने में मदद देती है और वज़न को कम करने में मदद देती है। स्ट्रॉबेरी पैदाइशी माजूरी से भी महफूज रखती है। आमला ख़वातीन के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी में फॉलिक एसिड पाया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को सेहतमंद रखती है। प्रेगनेंसी के हालत में इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। स्ट्रॉबेरी में फाइबर की कसीर मिकदार की वजह से हाजमा का निज़ाम बेहतर होता है और कब्ज़ से निजात हासिल होती है। इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। स्ट्रॉबेरी में फाइबर की कसीर मिकदार की वजह से हाजमा का निज़ाम बेहतर होता है और स्ट्रॉबेरी के अंदर कसीर मिकदार में एंटीऑक्सीडेंट और एलर्जिक और विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और बालों की खुश्की भी कम होती है। बालों की बेहतरी के लिए 5 से 6 स्ट्रॉबेरी में 1 चम्मच यानी कि दही शामिल करें। बालों की गहराई में अपनी उंगलियों की मदद से मसाज करें और 10 से 15 मिनट तक लगा रहने दें और फिर शैम्पू से धो लें। ये एक नेचुरल कंडीशनर के तौर पर काम करेगा। स्ट्रॉबेरी खाने से हड्डियां सेहतमंद होती है। अगर स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल एतदाल से किया जाए तो गुर्दे मामूल के मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रॉबेरी के फवाइद आपने सुने। अब यकीन है कि आप स्ट्रॉबेरी ज़रूर इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाएंगे। और अभी वैसे भी पाकिस्तान में स्ट्रॉबेरी का सीज़न है, ये ज़रूर इस्तेमाल करें। इसका रोज़ाना की बुनियाद पर 5 से 6 स्ट्रॉबेरी इस्तेमाल करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 10 इस्तेमाल करें। एतदाल में आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा है और यह हर मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखती है, जो मैंने आपको भी बीमारियों के नाम शुरू में मैंने बताए। उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जो मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो तो मेरे चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ एजाज अदर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। किसी बीमारी के हवाले से कोई सवाल पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इजाज़त दें डॉक्टर एजाज अदर को। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, एक नई रेमेडी, एक नए टोटके, एक नए नुस्खे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।